आपको कि मैं इसको ट्यूबलेस कन्वर्जन करने वाला हूँ। ये इसका साइज बड़ा है, इसके लिए मशीन पे खुलता नहीं, मालूम है मुझे। ट्यूबलेस करने का जो DIY आप बोल सकते हो, DIY थोड़ा ज़्यादा ही है बिकॉज लेकिन मेरे लिए वो DIY है बिकॉज आई एम डूइंग इट माई सेल्फ। गाइज गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया रहेंगे। आप पीछे देख सकते हो, ये मेरे मामा का वर्कशॉप है। वर्कशॉप एज इन इंटीरियर वगैरह का काम करता है मेरा मामा, तो ये उसी का वर्कशॉप है। आप देख सकते हो काफ़ी सारा यहाँ पे लकड़ी वकड़ी दिखेगी और उसके बीच में खड़ी है हमारी हिमालयन। तो यहाँ पर गाड़ी लाने की वजह ये है, जैसे मैंने बोला था आपको कि मैं इसको ट्यूबलेस कन्वर्जन करने वाला हूँ और मैं वो खुद ही करने वाला हूँ। तो अभी हमें इसके दोनों व्हील खोलने हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर लाया, क्योंकि दो तीन दिन गाड़ी खड़ी रहेगी तो ये इनक्लोज्ड यहाँ पे अंदर अच्छा रहेगा, खुले में रहने से अच्छा। तो अभी इसके व्हील में दोनों खोलता हूँ और फिर मैं दिखाता हूँ इसका कन्वर्जन का, ट्यूबलेस कन्वर्जन का प्रोसेस क्या है। आरी ने अगर खुद ही देते थे हमें ट्यूबलेस रिम्स तो अच्छा रहता था, बट चलो कोई नहीं, आरी नहीं दे रही तो हम ही खुद करेंगे कुछ। क्योंकि बीच में एक किस्सा हुआ था, मेरा एक फ्रेंड है जिसका हिमालयन है, पंचर हो गया। इतनी बंदे को दिक्कत हुई, 7-8 किलोमीटर उसका दूर घर था, लेकिन फिर भी पूरी ट्यूब फट गई उसकी क्योंकि धक्का दे रहा था। उसके बाद उसको ट्यूब भी नहीं मिली उस साइज़ की, तो उसने दूसरी ट्यूब डाल के कैसे कैसे गाड़ी अपने घर पे लेके गया। और एक बात है कि इस गाड़ी को कोई पंचर वाला हाथ नहीं लगाता है व्हील व्हील खोलने के लिए, बोलते हैं हम नहीं कर सकते हैं। तो मैं ये भी आपको बताऊँगा इसके व्हील कैसे खोलते हैं, मतलब ईजी है, दिखने में थोड़ा हार्ड लगता है बट इट्स वेरी ईजी। सो गाइस, हमको मदद करने के लिए आ चुका है राकेश अपना दोस्त, और मैं आपको बता दूं आगे का व्हील पहले हम लोग खोलेंगे। तो ये दो आपको दिख रहे हैं, तो गाइज आपको ये दिख रहे हैं, ये दो एलएनकी के चेकनट है। चेकनट मतलब ये व्हील मतलब खोलने के लिए इसको मतलब ये कस के रखता है। तो पहले ये दो चेकनट हमको खोलने हैं और फिर इसके लिए अलग से एक इन्होंने अरेंजमेंट दिया। तो मैं जो कह रहा था, इसका अटैचमेंट है अलग से इन्होंने जो दिया है, दिस इज़ इट। सो गाइस, दिस इज़ अ टूल खोलने के लिए, ये इसमें रखते हैं। तो ये बैठेगा यहाँ पे, पूरा निकालने का नहीं, लूज कर सकते। ये लग गया इसमें। तो गाइस इसमें बैठता है 24 का थ्रेड है। हाँ थ्रेड है, उसको निकालने का, खोल खोल के घुमा घुमा के। अभी आगे का व्हील हमने खोला, आपने देखा, अभी पीछे का व्हील खुल रहा है। निकाल, पकड़ा मैंने, उठाया। नीचे बहुत मट्टी है, चेन भी डाल दे। चेन भी डाल दे इसमें। क्या डाल दूं? चेन 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 लटक रहा नीचे, वो भी डाल दे अंदर। इसमें डाल दे सिर्फ, इसमें मत लगा, पीछे ले। A few moments later. Guys, ये हमारी व्हील है, तो अभी हम इनको लेके जाएंगे खुलवाने के लिए। और ये है हमारी लाल परी, क्योंकि अभी ये जब व्हील खुलेगा तो रिम अलग, व्हील टायर अलग हो जाएगा, तो एक्टिवा विक्टिवा पे नहीं जमेगा। तो इसके लिए हम कार लेके आए हैं। Yes.
तो गाइस दोनों व्हील आ गए अंदर। ये व्हील इतना बड़ा है कि हमको सीट आगे लेके वो इसका थोड़ा टेढ़ा लगाना पड़ा, क्योंकि नहीं तो ये बैठ नहीं रहा था, दरवाजे बंद नहीं हो रहे थे। तो चलो अभी यहाँ से निकलते हैं। हम आ चुके हैं व्हील खोलने के लिए, और ये जगह मेरे घर से कम 4-5 किलोमीटर दूर है। इस रास्ते में काफ़ी सारे पंचर वाले भी थे, लेकिन हम यहाँ पे स्पेशली क्यों आए हैं, क्योंकि ये देख रहे हो यहाँ पे है, यहाँ पे आरी का शोरूम। तो ये जो पंचर वाला है इसको काफ़ी सारा काम आता है आरी के शोरूम से, ही इज़ यूज टू इट। तो हम चांस नहीं लेना चाहते, इसीलिए हमने सोचा कि थोड़ा दूर आएंगे, बट ऐसे बंदे से खुलवाएंगे जिसने पहले भी खोला है ये। तो चलो अभी जाते हैं और टायर निकालवाते हैं रिम के ऊपर से। सो गाइस अपना काम शुरू हो चुका है। भाई ने ये इसलिए डाला है ताकि इस पर स्क्रैचेस ना आए, तो अभी ये टायर खुलेगा। मालूम है ये इसका साइज बड़ा है, इसके लिए मशीन पे खुलता नहीं, मालूम है मुझे क्या करेगा अभी। तो अभी ये इसको कपड़ा लगा रहे हैं ताकि रिम पे कुछ स्क्रैचेस ना आए, वैसे हमको पुराने वाले कुछ दिख रहे हैं। तो ये जो पिछली बार हमने शोरूम से खुलवाया था ये तभी के स्क्रैचेस है। क्या बात है। चलो हमारी पहली रिम निकल चुकी है, दूसरा व्हील खुलेगा। तो भाई क्या कर रहे हैं अभी, इसका जो वॉल निकाला था वो फिर से इसमें लगा के रख रहे हैं। तो गाइस आगे का व्हील 21 इंच का है, इसके लिए मशीन पे खुलता नहीं है, और ये 19 का है तो ये चढ़ जाता है, और चौड़ा भी है और ये पतला है। A few moments later. So guys, दोनों व्हील खुल चुके हैं, अभी हम जा रहे हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ ये ट्यूबलेस करने की जो प्रोसेस है वो, और पूरा डिटेल में बताऊँगा। एक वीडियो मैं बनाऊँगा जिसमें ओवरऑल दिखाऊँगा, और एक अलग वीडियो बनाऊँगा जिसमें स्पेशली ट्यूबलेस करने का जो DIY आप बोल सकते हो, DIY थोड़ा ज़्यादा ही है बिकॉज, लेकिन मेरे लिए वो DIY है बिकॉज आई एम डूइंग इट माई सेल्फ। ये तो आपके ऊपर है, आपके स्किल सेट के ऊपर है कि आप वो खुद कर पाते हो कि नहीं। करोगे तो अच्छी बात है, कुछ भी आपको मदद चाहिए, कुछ भी सजेशन चाहिए, कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पे मुझे आप मैसेज डाल दीजिए, मैं आपको फिर से कांटेक्ट करूँगा, या तो इंस्टाग्राम पे कर दीजिए, मैं आपको वहाँ पे भी आपको इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा। तो चलो अभी यहाँ से चलते हैं और अपने रिम को ट्यूबलेस बनाते हैं। सो गाइस अभी मतलब अभी हम गए थे सर्विस सेंटर इसके लिए गए थे क्योंकि जो मैंने व्हील्स जो खोले थे और जो टायर उतारे थे रिम से, तो मैंने रिम को अच्छी तरह से वॉशिंग सेंटर में साबुन लगा के धो के लाया हूँ, क्योंकि जो हमको ये प्रोसेस करनी है उसके लिए पूरा वो व्हील है ना पूरा साफ़ होना चाहिए। तो अभी ये पीछे व्हील पड़े अभी निकालता हूँ मैं वापस पहुँच चुका हूँ मामा का जो वर्कशॉप है वहाँ पर, और बाहर है नीलेश का गराज जहाँ पर मैं यूजली काम करता हूँ। गाइस बेसिकली इसको अच्छी तरह से क्लीन करना है, तो अभी एक हाथ से मैं क्लीन नहीं कर पाऊंगा, तो वीडियो बंद करता हूं, इसको क्लीन करता हूं, फिर आपसे मिलता हूं। 2000 years later देख सकते हो ऐसे ही हमने कुछ जुगाड़ किया। तो ये जो है ये साइकिल का टूल है जिसपे बैलेंसिंग करते मतलब स्पोक का टाइटनिंग करते, तो हमने इसी पे ये चढ़ाया, और अभी हम चालू करेंगे ये प्रोसेस हमारी ट्यूबलेस बनाने की। गाइस ट्यूबलेस बनाने के लिए पहले तो हमें इनको इस पर वॉल लगाना पड़ेगा,
तो ये ऐसे कुछ वॉल है, अब मैं इसका हम फिटिंग करते हैं। सो गाइस, अभी हमने इसको पेट्रोल से अच्छी तरह से साफ़ किया और अभी आप देख सकते हो पूरा क्लीन है ये। अब बस थोड़ी देर रुके हैं क्योंकि आजकल पेट्रोल में मीथेन होता है ना, तो वो जल्दी सूखता नहीं है, तो बस ये पूरा सूखने की हम राह देख रहे हैं और उसके बाद हम अगली प्रोसेस शुरू करेंगे। यही वो चीज़ है जो हम अभी इसमें फिल करने वाले हैं, तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ इसकी प्रोसेस। हाँ, ऊपर से लगाया, ऊपर से डाल, ऊपर से सूखा। तो गाइस, एक रिम हमारा हो चुका है, मैं आपको बताता हूँ उसका फिनिश कैसे दिख रहा है। और अभी ये बड़ी रिम का हम लोग कर रहे हैं, बट ये उस टूल में बैठेगी नहीं क्योंकि ये काफ़ी चौड़ी है, तो इसके लिए अभी हम नीचे इसके टायर ले रहे हैं और इसी के ऊपर करेंगे। तो टेंशन तो कोई नहीं वैसे, बस ये ऐसे ना घुमाने के लिए तकलीफ होगी, एक एक कर धीरे धीरे करके घुमाना पड़ेगा। तो गाइस, अभी मैंने इसको अच्छी तरह से पेट्रोल से क्लीन किया, थोड़ा देर अभी ये सूखेगा। तो गाइस, जो पिछला वीडियो आपने देखा था उसको तो 2 दिन हो चुके हैं, मतलब जो हमने ट्यूबलेस का जो प्रोसेस किया था उसको 2 दिन हो गए। अभी वो जो कंपाउंड जो हमने लगाया है वो अच्छी तरह से सूख गया, तो अभी हम इसको लेके जा रहे हैं, अब इस पर चढ़ेंगे टायर। तो ये सूखने के बाद ये ऐसे कुछ दिख रहा है, आप देख सकते हो। तो गाइस, हम फिर से आ चुके हैं और टायर चढ़ा रहे हैं। ये अपने मोहम्मद भाई है जो पहले अभी पीछे का व्हील का टायर चढ़ा रहे हैं, बाद में आगे का लगाते हैं। तो गाइस, टायर चढ़ चुका है व्हील पर, अभी इसकी टेस्टिंग होएगी। A few moments later. So guys, अभी हमने व्हील को पानी में डाल के टेस्टिंग किया, कहीं से हवा निकल रही है क्या। So far it is good. आराम से नीचे बीच अंदर वाला संभालना। Guys, ये आखिरी हिस्सा है, चलो अंदर चला गया, अभी इसमें हवा डाली जाएगी। बैकग्राउंड में काफ़ी आवाज़ है क्योंकि यहाँ पे बाजू में गराज भी है और एक गाड़ी का इंजन चल रहा है। वही ये ट्यूब है हमने ले ली है, हम जब भी दूर जाते हैं तो उसको लेके जाएंगे, इनकेस अगर ज़रूरत पड़ी तो ये भी हम चढ़ा सकते हैं, तो ये स्पेयर में रहेगी अभी। 2000 years later. Hey guys, good afternoon. So almost 2 महीने के ऊपर हो चुके हैं, हमने हमारी हिमालयन को ट्यूबलेस कन्वर्जन जो किया था, आपने जो देखी थी मेरी प्रोसेस, आप देख सकते हो ये बैकग्राउंड काफ़ी खूबसूरत है। तो 2 महीने के बाद अगर हम वीडियो बना रहे हैं तो मैंने सोचा एक अच्छा बैकग्राउंड ढूंढते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे हैं। ये मेरे घर से थोड़ी दूर है बट इट्स एब्सोल्युटली फाइन, बाल भी बढ़ गए, थोड़ा लुक्स भी चेंज हो गया, तो इतना वक्त मैंने इसके लिए लगाया था क्योंकि मुझे देखना था, टेस्टिंग करना था क्या हवा जा रही है, क्या कहीं से कुछ और दिक्कतें हो रही है। तो सो फार देयर इज़ नो इशू, एकदम फर्स्ट क्लास हो चुका है, मतलब जबकि ये मैंने खुद किया है, पहली बार मैं कर रहा था, थोड़ी दिक्कतें हुई क्योंकि पहली बार जब आप करते हो कोई भी चीज़ तो आपको मालूम नहीं रहता है, थोड़ा फाइन ट्यूनिंग होने में तकलीफ़ होती है। सो फार नो इशूज़, ज़्यादा कुछ नहीं, हमने 40 किलोमीटर चलाए हैं ये करने के बाद, लेकिन जहाँ पे भी चला है तो काफ़ी उछल कूद वगैरह हमको करनी पड़ी और उसमें हमें थोड़ा तो कॉन्फिडेंस आ गया कि ये कन्वर्जन जो भी हमने किया है ये सक्सेसफुल है। ये टेस्टिंग कंटिन्यू रहेगी, तो जैसे मैंने कहा था कि आपको अगर भी ट्यूबलेस करना है और आपको मेरे से कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे डीएम कर सकते हो, ये जो नीचे जो आ रहा है ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए, अगर आपको कन्वर्जन करना है तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ रहेगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।